artificial love. Assalamu alaikum to all of you guys. Welcome back to my new video. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. रमज़ान का रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना जो कि अब इख्तिताम को है. और जैसे कि सुबह ईद है, खैर आपको तो नहीं पता होगा, आज हमारा आखिरी रोज़ा था और सुबह हमारी ईद है. तो हमेशा की तरह किसी इवेंट भी नज़र आऊँगा या किसी एक ईद हो गई या कोई हो गया न्यू ईयर वगैरह, इसके अलावा व्लॉग नहीं बनेंगे भाई के, ये तो हमारा ज़्याग है ना. फिर खैर इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि सुबह ईद है और शॉपिंग के लिए हम जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना ही लेते हैं. बनाना नहीं था पर बना लेते हैं. तो हमारे साथ भाईजान हम्बल. बारिश बहुत ज्यादा दो तीन दिनों से इधर मेलबर्न में, तो फिलहाल तो क्लाउडी भी है काफी. मेन चीज जो ईद है वो उसकी हमने शॉपिंग मैंने कर ली थी पाकिस्तान से ही. पाकिस्तान से जाहिर सी बात है शलवार कमीज पहननी होती है, यहाँ मेलबर्न से कहाँ से सिलवाए हम. तो रमजान इस दफा गुजरा और हमें जरा पता नहीं चला. रखा जो नहीं रोजा, एक रोजा रखा है यार, रोजे रखे हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, की है फास्टिंग वगैरह. लेकिन मेन आपको ये चीज है, टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है और बारिश है यहाँ पर, ठंडा मौसम भी है जिसकी वजह से हमें फील भी नहीं होता इधर इतना. बारिशें यूं अचानक हुई. हाँ जी, भाई का रोजा और भाई गाने गा रहे हैं. और नहीं गा रहा. इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे हम्बल भाई हैं, ये वाले भाई, इनकी शादी होने वाली है जल्द, तो आप सबके लिए. नहीं भाई कोई नहीं, भाई मेलबर्न में होने वाली, तो भाई मेलबर्न में शादी करवाने लगे हैं. मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई की. ऐड करी चबल ना मार, दिमाग खराब कर पापा वगैरह. अब लोग देखते हैं यार, ना किया देख रहे हैं ये अंकल जी, देख लें स्पेशल आपके लिए. ना बिगाड़ती, अरे ये बाकी घर सारे देख रहे हैं. हां जी गाइस, बनेगा दूसरा व्लॉग हमारा, स्टार्ट करेंगे. तो जी अब हमने कर लिया, हमारी कार चेंज हो गई है यहाँ से. अब हमारे साथ जो हमारे भाई हैं वो हैं सुल्तान भाई, वन एंड ओनली सुल्तान भाई. तो जितनी दुआएं हमने वहां पर की हैं शादी के लिए, तो इधर भी जरूर कीजिएगा. भाई का माशाल्लाह से एंगेजमेंट वगैरह हो गई, निकाह भी हो गया. माशाल्लाह. तो बस दुआ ये है कि जल्द से जल्द शादी हो, रोटी खाएं हम, ठीक है ना. यार हमेशा देखो ना, इंसान भूखा तो रहता नहीं है, रोटी बहुत खाता है वो, ठीक है, जिस तरह डेली खाते हैं यार. लेकिन जो शादी की रोटी की चाह है ना, वो कहीं पे भी नहीं है. क्यों भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल. और अपने मतलब भाइयों की शादी हो तो बंदा क्या ही बात. हाँ, ऐसे नहीं. और जब भाई की शादी होगी तो फिर ज्यादा ही मजा आएगा. हाँ। बिल्कुल. गाइस शॉपिंग हो गई है, अब रखेंगे सामान हम और चलेंगे घर. हो गई. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह के साथ रेडी हो गए हैं, अफ्तारी पे जाने लगे हैं. अफ्तारी आज है हमारी फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था. तो खैर हमारी छोटी छोटी खुशियाँ और बस यही है. सुबह ईद है, चांद रात है. हम्बल भाई की तो अभी से तस्वीरें आ रही हैं मेहंदी में, हम्बल भाई का नाम लिखो. और हम ऐसे ही भाई जान, बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अल्लाह मान लीजिए भी कोई, समझ सकते हैं आप लोग. खैर फिलहाल ये है कि ईद आ गई है, मेरा यार नहीं आया अभी तक. फिलहाल यार भी आ जाएगा. हाँ जी भाई जान, तो खाना सब ने खा लिया है और अब हम हो गए हैं फ्री अल्हम्दुलिल्लाह के साथ. कुछ ऐसे हालात हैं आप देख सकते हैं, देखिए ये हालात दिखाने वाली चीज़ नहीं है, तो कुछ प्राइवेसी होती है. खैर उसके अलावा ये देख रहे हैं, ये बराह रास्त आपके सामने भूखी है वहाँ, यहाँ पे बड़ी पड़ी और पीछे कुछ खाचा वहाँ बैठी है जैसे कि आप देख सकते हैं. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक जी. अल्हम्दुलिल्लाह के साथ सुबह हो गई है और बहुत बहुत लेट उठे हैं हमारे लौंडे लपाटे. मैं भी बस आधा घंटा पहले ही उठा था क्योंकि हम रात को लेट सोए, और रात को लेट सोने की वजह से हम फिर लेट उठे. अब आधे घंटे के अंदर सारे बशीने तैयार हो गए. इसके अलावा ये है कि बस अब नमाज पढ़ने के लिए जाना है. दुआ कीजिए कि हमें नमाज से लेट ना हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे तो कभी नहीं पढ़ी हम्बल भाई ने, हमने तो पढ़ी है. खैर तो बस फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं जाके. देखिए यहाँ पर लोशन लपटों की बात हो रही है, लोशन लोशन की बात हो रही है. देख रहे हैं ये प्रमोशन के लिए नहीं है, बस निवी वालों के आमदनी में ज्यादा इजाफा हो जाएगा जब से हमने व्लॉग में डाल दिया.
खैर अब यहीं से हम सीधा जाएंगे वहाँ पर, एक से दो बाइक हैं क्योंकि आज सारे रात के 2-3 बजे सोए थे क्योंकि सारा हल्ला गुला था ये वो, और जिसकी वजह से अब सारे लेट हो गए हैं और हम भी बड़ी मुश्किल से तैयार होके निकल रहे हैं। पहले कह रहे शादी लेट हो। हाँ जी ब्रो, एक यार खैर ईद की नमाज इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि हम टाइम पे पहुँच जाएंगे क्योंकि बिल्कुल यहाँ से साथ ही मस्जिद है, तो गाड़ी हमने पीछे लगा दी क्योंकि हमें पता गया अगर हम आगे गए तो हमें लेट हो जाएगी, यहाँ से हम बाय वॉक जा रहे हैं आगे। रोटी चुकने जा रहे हैं, रोटी चुकने जा रहे हैं बकोले यासर भाई, रोटी कहाँ से चुकने जा रहे हैं पता नहीं है, ये तो आप ये मौलाना तारिक जमील साहब के भांजे हैं। हाँ जी फोटोज बना लिया, बड़ी वीआईपी फोटोज बनाई है हमने, अब हम जा रहे हैं रोटी पाड़ने। कहाँ जा रहे हैं? रोटी पाड़ने शरा, बड़ी वीआईपी फोटोज ली है, पता नहीं हमें खुद को तो अच्छी लगी है, आगे नहीं पता नाजरीन को कैसी लगती है। इस्माइल साहब हम आपसे ना तय दिल से जो है ना पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारी क्या गलती थी, आपने इसको इधर दे आप रख लेते हैं, आप रख लेते ये देख लें जी, इतने इतने तंग आ गए हैं लड़के। आप क्या कहना चाहेंगे हम्बल के बारे में? भाई है हम्बल आया है, यकीन करो जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से हम मैं इकट्ठे आए थे मजा आ गया जिंदगी में, मजा आ गया अम्बल यार, तू चवल आदमी यार, तेन मैं क्या इंज ना किया कर, तू फिर वही काम यार, तू बेगैरत है कोई। हमारे बहुत अच्छे, इसका नाम हमजा है, हमजी और हमजी, हाँ जी और हमजी बहुत अच्छे, सोम मुबारक है, और हमजी भाई की इज्जत चल रही है, इज्जत टीम में। जी गाइस तो ईद हमारी कहाँ तक पहुँच गई है, ईद हमारी पहुँच गई है सिर्फ अभी, हमने अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं किया। हाल तो यही है कि अभी हम जाएंगे, ये देखिए शोर से कर रहे हैं ईद वाला घर, पता लगता है क्या खाना खा ले, व्लॉगिंग छोड़ देंगे, हम व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा बस खाना खा के अभी आते हैं जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद हम आ गए हैं वापस, खाना खा लिया हमने। हाँ जी गाइस तो शाम का वक्त हो गया और अब हम जा रहे हैं चिकन लेने के लिए, हमने सोचा कि आज शाम को हम बारबेक्यू पार्टी करते हैं, क्या बारबेक्यू बस सोच लिया हमने, घर खरी लेते हैं। एनीवेज फिलहाल मेरे साथ हैं भाई एहसान कुराया साहब और जैसे अली भाई जो कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हाँ यार ऐसे हुआ कि ये भाई तो ईद में हमें नज़र ही नहीं आई, ये भाई जान सुबह आया और सो गया है, ना इसने नमाज पढ़ी है, ये हमारे जी मुस्लिम ब्रदर्स है, ब्रदर यार ऐसे ही लड़के होते हैं यार ईमान से चला गया अल्लाह इसको भी। एनीवेज आपको ये बताना था कि हाँ यार ये सीन था कि ना ईद हमने पढ़ कर मतलब खाना शाना खाया फिर इधर उधर उधर इधर मुफ्त में ऐसे घूमना फिरना जिसकी वजह से हम थक गए हैं, व्लॉग मैं नहीं शूट कर सका बिकॉज फ्रेंड्स के साथ था। इंशाल्लाह ये व्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ मुझे इतना पता है कि ईद के तीसरे दिन ही अपलोड होगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो लोग ईद का पहले दिन का अलग दूसरा नहीं, हमारा एक बड़ा सा ही व्लॉग होता है वो 3 दिन का मिक्स ही होगा तो जिसमें चांद रात भी इंक्लूडेड है। गाइस तो आज हम आपको दिखाएंगे मिनी पाकिस्तान जो कि फोकनर में है, ये शॉप जैसे कि है ओस पार्क, इस शॉप का मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये जी चिकन पहले तो हलाल मुझे, बाकी ये चीज़ें देखें जो पाकिस्तान में स्पेशली अंडी वगैरह पड़ी हैं, कुरकुरे पड़े हैं और ये नेस्ले पड़ी है, सबसे मेन चीज़ स्टिंग पड़ी है, सारा पाकिस्तान उठ के आ गए हैं। नहीं मिली होगा
इसके अलावा जीरा प्लस पड़ा भाई, सुपर डुपर पड़ा, सुपर बिस्किट और क्या है, तपाल दाने का और वाइट हाउस मिलेगा आपको यहाँ पे, सब कुछ पड़ा है यहाँ पे। क्या मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो ये ले ही लेते हैं, वेट ही नहीं हुआ यार इन चीज़ों को देख के ना भाई, अभी से लग गए हैं। इतने कोई भूखे है ना मेरे फ्रेंड्स, देखा नहीं है कि पाकिस्तान स्टोर में गए हैं, मुझे सरंटी खानी है, मुझे स्टिंग पीनी है, मुझे ये करनी है, ये हरकते हैं इनकी, ये तो बता के ले जाने वाला नहीं है। स्पेशली ये देखो मुंह भर भर के खा रहा है, ये खा के बैठा है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हमारी ईद थी आज, एक फोकनर यहाँ का जो स्वभाव है ना उसकी हमेशा ही ईद एक दिन आगे ही होती है। हाँ ऐसे है कि हम सारे आज पूरा मतलब कि मेलबर्न क्या पूरी दुनिया ईद मना रही है इस टाइम, उनकी ईद का अल्लाह जी, अरे उनके रोजे उनके होंठ खुश के ये भाई स्टिंग पी रहे ये सरंडी खा रहा है भाई। बाद में मैंने कहा भाई माजरत माजरत, कहता नहीं नहीं यार हमें आदत होगी, 10 साल से हमें एक दिन बाद ही खोल रहे हैं अपना ना। खैर यार हैरत होती है ऐसी चीजों पे भी, लेकिन कोई नहीं, हर किसी का अपना होता है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर बारबेक्यू के सीन होने गाइस, तो ऐसा है कि खाना शाना खा लिया हमने, बारबेक्यू था वो सारा कुछ हो गया, थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था, कल रात से मुसलसल जाग रहे हैं और अब सोचते हैं सोने हैं, क्योंकि सुबह हमने निकलना है घूमने के लिए। अब ये सुबह मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा डिसाइड होना है, हमारा बनना है प्लान एंड टाइम पर आके। एक तो हमें 4 to 5 प्लेसेस देखी हैं, लेकिन उनमें से चूज़ करेंगे किस प्लेस पर जाना है। जहाँ पर रात के 1 बजने वाले हैं, तो इंशाल्लाह सुबह देखते हैं क्या सीन है।